हेलो गाइस, इट्स संडे, मतलब आ गया है टेक्नोबग वीकली राउंडअप का टाइम, जिससे आपको पता चल जाएगी टेक वर्ल्ड में क्या हुआ था बिगेस्ट थिंग्स लास्ट वीक में। सो गाइस, विदाउट मेकिंग एनी फर्दर डिले, लेट्स चेक इट आउट। वेल गाइस, सबसे बड़ी खबर आ रही है एप्पल की तरफ से। जी हाँ, एप्पल ने लॉन्च कर दिया उनका नया आईपैड मॉडल्स, जो इंडिया में भी लॉन्च हो गया है। और आपको मिल जाता है एप्पल का आईपैड 10th जेन और एप्पल का आईपैड प्रो 2022 मॉडल्स। एप्पल 10th जेन आता है 10.9 इंच एलईडी डिस्प्ले के साथ, और आपको मिल जाता है एप्पल का बायोनिक A14 चिपसेट और 12 मेगापिक्सल कैमरा आगे और पीछे। आपको इस डिवाइस में मिल जाएगा अप टू 256 GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज, और एप्पल इसमें इसको देती है मैजिक कीबोर्ड के सपोर्ट के साथ और फर्स्ट जेन मैजिक पेंसिल के साथ, जो मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटिंग लगा था। कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो वेल गाइस, एप्पल ने दे दिया है यूएसबी टाइप सी पोर्ट इस डिवाइस के ऊपर, जो कुछ अमेजिंग ही है। और सबको मिल जाता है सब टॉप नॉच कनेक्टिविटी ऑप्शंस, जैसे कि वाईफाई 6, ब्लूटूथ 5.2। और आपको ये डिवाइस मिल जाएगी स्टार्टिंग प्राइस ऑफ 44,900 इंडिया के अंदर, और उसकी शिपिंग स्टार्ट हो जाएगी अक्टूबर 28 से। नाउ कमिंग टू द आईपैड प्रो 2022 मॉडल्स, ये दो स्क्रीन साइज में आती है 11 इंच एंड 12.9 इंच के अंदर, और आपको मिल जाएगा 120Hz का डिस्प्ले। नेक्स्ट अप गाइस, ये डिवाइसेस आते हैं एप्पल का नया M2 चिपसेट के पावर के साथ, मतलब आपको मिल जाएगा द लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल आईपैड मॉडल्स। और ये डिवाइस आपको मिल जाएगा अप टू 2 TB ऑफ स्टोरेज, मतलब एक कंप्यूटर से भी बड़ा स्टोरेज, या फिर कंप्यूटर के बड़ा, मेरा कंप्यूटर 1 TB स्टोरेज, दैट्स व्हाई मैंने बोला कंप्यूटर से भी बड़ा स्टोरेज। आजकल तो उससे भी बड़े बड़े कंप्यूटर आते हैं, लेकिन आपको मिल जाएगा आईपैड प्रो 2022 मॉडल्स अप टू 2 TB ऑफ स्टोरेज के साथ। और इस डिवाइस में आपको मिल जाएगा 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर फ्रंट में, और 12 मेगापिक्सल प्लस 10 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड सेंसर ऑन द बैक पैनल। ये डिवाइस में आपको मिल जाता है प्रो रेस कैप्चर फीचर, मतलब आईपैड के अंदर पहली बार ये फीचर आ रहा है। और ये डिवाइस में आपको मिल जाता है कनेक्टिविटी फीचर्स इंक्लूडिंग यूएसबी टाइप सी पोर्ट, वाईफाई 6, थंडरबोल्ट 4, ब्लूटूथ 5.2 एंड मोर। वेल गाइस, कंपनी ने दोनों ही आईपैड के, मतलब आईपैड 10 जेन और आईपैड प्रो 2022 मॉडल्स के रैम और बैटरी के बारे में ज़्यादा रिवील नहीं किया, लेकिन हमें कुछ जल्दी ही पता चल जाएगा। और ये डिवाइस दोनों ही आईपैड 10 जेन और आईपैड प्रो 2022 रन करता है आईपैड ओएस 16 के ऊपर, और आईपैड प्रो 2022 आपको स्टार्टिंग प्राइस में मिल जाएगा 81,900 के अंदर, और इसकी रेट बढ़ जाएगी 2 लाख के करीब तक, जो 2 TB का स्टोरेज है, और इसकी भी शिपिंग शुरू हो जाएगी अक्टूबर 26 से। वेल गाइस, नेक्स्ट अप, अब बात करते हैं Redmi Note 12 सीरीज, जो बजट स्मार्टफोन सेगमेंट के अंदर आता है और काफ़ी पॉपुलर होने वाला है। Redmi ने ऑफिशियली रिवील कर दिया है कि Redmi Note 12 सीरीज लॉन्च हो जाएगा अक्टूबर में ही चाइना के अंदर, मतलब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसकी सेल शुरू होगी नवंबर में। और कंपनी ने ये भी रिवील किया है कि ये 2 नए टेक्नोलॉजीज के साथ ये स्मार्टफोन सीरीज लॉन्च होगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये MediaTek के 1080 चिपसेट जो रिसेंटली लॉन्च हुआ था उसके पावर के साथ आई, और क्या पता कंपनी इसको दे देगी अप टू 210W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ, ऐसे भी रूमर्स में सुना था। तो गाइस, ये है Redmi Note 12 सीरीज के बारे में, जो काफ़ी पॉपुलर होने वाला है और बढ़ते सेगमेंट के अंदर आएगा। नेक्स्ट गाइस, इंटेल ने लॉन्च कर दिया उनका नया 13th जेन डेस्कटॉप प्रोसेसर्स इंडिया के अंदर, जो काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर्स के साथ आता है, और इसकी प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी के बारे में अभी तक कंपनी ने रिवील किया नहीं, और काफ़ी जल्दी इसको रिवील कर देगी। उसके बाद सबसे बड़ी खबर आती है नेटफ्लिक्स के थ्रू। जी हाँ, नेटफ्लिक्स ने लॉन्च कर दिया है एक नया फीचर जिसका नाम है प्रोफाइल ट्रांसफ़र फीचर, और इससे क्या होगा, आप आपके प्रोफाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं कोई और ईमेल आईडी के अंदर, जिसके अंदर आपका सारा हिस्ट्री चल जाएगा, इंक्लूडिंग माई लिस्ट, पर्सनलाइज रिकमेंडेशन, सेव्ड गेम्स। जी हाँ, नेटफ्लिक्स गेम्स भी ऑफर करता है आपको, ये सब कुछ आप ट्रांसफ़र कर पाओगे नेटफ्लिक्स के नए
प्रोफाइल ट्रांसफर फीचर्स को यूज कर कर। वेल गाइस, यूट्यूब के थ्रू एक नया खबर आ रहा है। ऐसे एक रूमर आया था कि ऐसे एक न्यूज़ आया था, इनफैक्ट रूमर नहीं था, ऐसा था कि यूट्यूब टेस्टिंग कर रहे थे कि 4K रेजोल्यूशन के वीडियो सिर्फ प्रीमियम मेंबर्स को देने के लिए। लेकिन अब वो टेस्टिंग खत्म हो गया, अब यूट्यूब ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, 4K वीडियोस कोई भी यूज़ कर सकता है, प्रीमियम और नॉन प्रीमियम यूजर्स। और ये काफ़ी अच्छी सी खबर है जो उन यूजर्स के लिए जिन्होंने प्रीमियम सब्सक्रिप्शन नहीं खरीदा। और गाइस, अगर आपको पता है कि आवाज़ आ रही है तो सॉरी गाइस, क्योंकि दिवाली आ गया है और हम दिवाली के टाइम पे भी आपके लिए काम कर रहे हैं, और एक लाइक तो जरूर बनता है, और पता करो कि आवाज़ के लिए सॉरी। वेल गाइस, नेक्स्ट अप बहुत बड़ी खबर है कि IQ Neo 7, जी हाँ, IQ Neo 7 लॉन्च हो गया चाइना के अंदर, और वो आता है MediaTek Dimensity 9000 प्लस मोबाइल चिपसेट के ऊपर, और आता है 6.79 इंच सैमसंग E5 AMOLED डिस्प्ले, और आपको मिल जाता है अप टू 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। ये डिवाइस में आपको मिल जाता है 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर विद ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, और इसमें आपको मिल जाता है 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड सेंसर और एक 2 मेगापिक्सल सेंसर, और ये डिवाइस में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा एज वेल। IQ Neo 7 सपोर्ट करता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ, और इसमें आपको मिल जाता है अप टू 256 GB ऑफ UFS 3.1 इंटरनल स्टोरेज, और आपको मिल जाता है 12 GB का LPDDR5 RAM। ये डिवाइस रन करता है द लेटेस्ट एंड्रॉयड 13 आउट ऑफ द बॉक्स, और आपको मिल जाता है बहुत बड़ी सी बैटरी एज वेल, और ये डिवाइस आपको मिल जाएगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर एज वेल। और कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो सभी लेटेस्ट कनेक्टिविटी फीचर्स अवेलेबल, जैसे कि 5G USB टाइप सी पोर्ट, 3.5 mm हेडफोन जैक, वाईफाई, ब्लूटूथ, NFC, मतलब सब जगह आपको कवर कर दिया गया है। और इसमें आपको थर्मल्स मैनेज करने के लिए कूलिंग सिस्टम भी इम्प्लीमेंट किया हुआ है, और आपको मिल जाती है एक बहुत बड़ी बैटरी ऑन द बोर्ड एज वेल, और ये डिवाइस रन करता है एंड्रॉयड 13 आउट ऑफ द बॉक्स। वेल गाइस, नेक्स्ट अप, द बिगेस्ट स्टोरी ऑफ द लास्ट वीक वॉज रिलेटेड टू गूगल। जी हाँ, गूगल ने लॉन्च कर दिया एंड्रॉयड 13 गो एडिशन, जो आपको पता ही है गूगल लॉन्च करते हैं एंड्रॉयड का गो एडिशन एवरी ईयर, और वो उन स्मार्टफोन्स के लिए होता है जो बड़े, मतलब उनका फुल फ्लजेड एंड्रॉयड 13 वर्जन यूज़ नहीं कर सकता, मतलब लो एंड स्मार्टफोन्स के लिए होता है गो एडिशन। और एंड्रॉयड 13 गो एडिशन लॉन्च किया है, काफ़ी अच्छे डिजाइनिंग सेटअप, मतलब मटेरियल यू डिजाइनिंग सेटअप आता है जो आपको फुल फ्लजेड एंड्रॉयड 13 के अंदर भी मिलता है, और एंड्रॉयड 13 के अंदर आपको काफ़ी सारे अलग फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे कि गूगल प्ले सिस्टम अपडेट्स एंड मोर। सो गूगल एंड्रॉयड 13 गो एडिशन आपको उन स्मार्टफोन्स में लेंगे जो अगले साल लॉन्च होंगे, मतलब इस साल के कोई भी फोन्स में आपको एंड्रॉयड 13 गो एडिशन नहीं मिलेगा। सो गाइस, ये थे द मोस्ट बिगेस्ट टेक न्यूज़ ऑफ लास्ट वीक, और आप बताइए आपको कौन सा न्यूज़ एक्साइटिंग लगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ, और अगर आप टेक्नोबक के चैनल के ऊपर नए हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर करना, और साइड में जो बेल आइकन है उसको दबा देना ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिल जाए जैसे ही मैं उसे अपलोड करता हूँ। वेल गाइस, हैप्पी दिवाली, और सब लोग खुशी से दिवाली मनाइए, स्टे सेफ, और दिवाली को रिस्पॉन्सिबल तरीके से ही मनाइए। सो गाइस, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप बगिंग।